आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। तो आज ना हम कुछ जा रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और मम्मी ना खीर बनाई है और सुबह से मैंने दो बार खाई हूँ खीर, तो अपना खाने का मन नहीं कर रहा, तो थोड़ा तीता खाने का मन कर रहा, ठीक है। तो मैंने ये चना है, देखो फूला हुआ चना, और इसको मैं कुछ बनाती हूँ चटपटा। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको बढ़िया से मैंने धो दिया है पहले, उसके बाद चलिए अब बनाते हैं। मैंने मिर्चा लिया है थोड़ा सा, इसको भून लेती हूँ। अच्छा थोड़ा थोड़ा भून आ गया, तो मैं देखिए इसमें डाल रही हूँ जीरा है और गोलकी। इसको भून के ना पीसूँगी। देख सकते हो मैंने इसको भून लिया, मिर्चा और गोलकी और जीरा को। उसके बाद मैं इसको पीसूंगी थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है और इसको पीस लेती हूँ। ओके, तो मैंने इसको पीस लिया है और देखते हो कैसा लग रहा है। तो हमारा मसाला तैयार है। इतना प्याज कट किया है और ये प्याज पापा काटे हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, देखो तेल चूर रहा है। उसके बाद प्याज डालती हूँ। यार कोई कैमरा पकड़ने वाला है ही नहीं, मुझे खुद से पकड़ना पड़ रहा है, खुद से बनाना पड़ रहा है। मम्मी ना दुकान पे है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक ये प्याज जो है पूरी तरह से पक जाएगा। ओके वेट कीजिए। तो फाइनली देखिए थोड़ा थोड़ा कलर हो गया है, तो इसको अब डालते हैं चना को। ये रहा मेरा चना। देख रहे हैं कलर हो गया, तो फिर भी कैसा लग रहा है इधर दिखने में। मसाला वसाला पड़ेगा ना, तो सही हो जाएगा। इसको अच्छा वेट करते हैं। हाँ इसको ना थोड़ा ढाक कर सिझाइएगा, ठीक है। ढाक के सिझाने से ना मतलब कुड़कुड़ नहीं करता, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता खाने में। थोड़ा झाँक कर इसको थोड़ी देर तक सिझाइएगा, उसके बाद मसाला डालेंगे। इसको देखते हैं। और हाँ आँच को ना मतलब गैस को ना पूरा कम कर दीजिएगा, ठीक है। तब जाकर ढाकिएगा, इसे धीरे धीरे सीजिएगा। तो फाइनली अब इसमें मैं हल्दी डालती हूँ, तो थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ। ज़्यादा नहीं थोड़ा। उसके बाद नमक, मैं जल्दी खाना नहीं बनाती ना, इसलिए मुझे आदत नहीं है कितना नमक डालना है, फिर भी इतना सही है। जो हमेशा खाना बनाता है उसको अंदाज़ा हो जाता है ना नमक डालने का। तो देख रहे हैं इसका कलर कितना मस्त लग रहा है। अभी मसाला नहीं डालेंगे फिर भी, तो मसाला भी डाल देती हूँ थोड़ा सा वेट करके। मसाला पीसा था ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा सा घोल लेती हूँ चम्मच की मदद से। फाइनली हमारा तैयार हो गया।
इसको क्या बोलते हैं? घुघनी बोलते हैं, घुघनी, चना का घुघनी। थोड़ा सा इसको सिझा देते हैं, जो मसाला डाली हो ना वो मतलब बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाएगा। फाइनली बन गया। और पता है इसको मतलब इसके मतलब ऐसे भी खा सकते हैं, और रोटी जो खाएंगे ना तो इतना मस्त लगता है कि काहे बताएं। और चावल जो खाएंगे इसको तो जैसे चोखा उखा रहता है ना भुंजिया दाल चावल के ऊपर, वैसे इसको खाएंगे मस्त लगेगा। तो चलिए ये ना मम्मी को देते हैं खाने के लिए, मम्मी बताएगी कैसा मैं बनाई हूँ, क्योंकि मम्मी जब कुछ बनाती है तो मुझे देती है कि बताओ कैसा बना है। आज मैंने बनाया है तो मम्मी को देती हूँ, और मम्मी बताएगी मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए देखती हूँ क्या बोलती है मम्मी। देखो टोमिया क्या कर रहा है। टोमी तो के मार थल बाबू रे। टोमी ए टोमी दूध कितना क्यूट है टोमिया। ओ याओ ना करता है मोबाइल आओ तो पता है का खाए टोमी बिस्कुट खाए रे। देख पूछिए देख रे पूछिया त चल खो 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 कहा निकाल ले वो चीज बनानी है। बाप रे बाप, कितना दिन पर बनाई ली है वो चीज, कौन चीज रे? ये ना खाने से पहले ना ये हमारा बुरा ये करेगी पता है। उघार 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 कोटरिया में ले कोटरिया में। तू खाई ना? तू लेती ना नहीं है ये तरी खाई पहले खा गांव कैसे बनेगी। हाँ जोहर मिलावल है। तो मम्मी फाइनली ले लिए हाथ में और बताएगी आप लोगों को टेस्ट। पड़का वो खोदा ना पता चली कैसे बना ला कैसे ना। ना अच्छा इतना मेहनत से वही निकाल और मेहनत से पानी फेरा थी वहाँ। अच्छा लगती है देखो तू अब आप कैसे करती है ना। अच्छा ये पता है अच्छा है, झूठ बोल रही है ये। इतना मेहनत इतना दिन पर बनाई है अच्छा नहीं है। सच सच बता ठीक है झूठ ना बोल। सबसे बता देंगे ना हम बता कि शरीफा कितना दिन पर ये बनाई है तो अच्छा नहीं लग रहा है मगर देखो तो बाओ बढ़िया है बढ़िया हमसे अच्छा बनाई सच में। हाय हाय तोरे से अच्छा कहाँ बना सकनी है। पता तब से ये बुराई कर रही थी मेरा बाऊ खाई तब कहाँ से बना दे रही है। हुर्रे पापा मम्मी को बोल रहे कि तोरे सन कहा माई बना दी। बढ़िया बढ़िया तब तू बना यार ये रे। तो पूरा खा जी तो वीडियो छोड़ो। मैं थोड़ा देखती हूँ टेस्ट करके। मम्मी तो खा ली। नमक कम है? नमक थोड़ा सा कम है, ऊपर से मार दी हूँ। बट सच में बहुत मस्त बनाया। सच में पापा बोल रहे थे मम्मी ज्यादा अच्छी बनाई हूँ मैं। थोड़ा सा बढ़िया बनानी मैं। तो आप लोग भी ऐसे बनाते हैं चना के बनाकर खाते हैं? जो नहीं खाते ना खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फुचका आ गया, पानी पूरी मतलब हम लोग फुचका ज्यादा इसको बोलते हैं। और उधर मैंने चाट लिया है। बोलो तब से मुझे तीता खाने का मन कर रहा था तो नहीं आया, और अभी जब बन गया तो ये भी आ गया। तो चलिए इसको भी खाते हैं कैसा लगता है। इसमें चोखा भी है ठीक है, बट थोड़ा सा चाट मिल रहा था तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये रहा पानी पूरी और ये गया मुंह में। अच्छा है बट थोड़ा सा ये मेरा आया हुआ है, बारिश हो रही है ना इसके वजह से मतलब शायद।
आप लोग में पानी तो नहीं आ रहा है ना, पानी आ रही है तो जाकर मार्केट में खा लीजिए। ओके मस्त है, मुझे पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। दो और बच रहा है, इसमें मैंने खाई हूँ और पापा खाए हैं, मम्मी उतना नहीं खाती है ये, तो दो और बच रहा है इसको भी खा जाती हूँ। एक और बच रहा है ये आखिरी है। ओके झर गया, ओ आप लोग ने दी ना, आप लोग जाकर मार्केट में खा लीजिए। ओके तो फाइनली मम्मी को पसंद आ गया मेरा बनाया हुआ, ओ क्या उसको बोलते हैं, कुछ बोला ना मैं, घुघनी, कितनी भुलक्कड़ हुआ, चना का घुघनी फाइनली पसंद आ गया। और पापा ने ये भी खा रहे, तू कान खा दो बा, पापा अभी नहीं खाएंगे, अभी उनका पेट भरा हुआ है। तो यह पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और जो मेरे चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।